हे गाइस, कितना सारे से टुडे आई हैव सम रैंडम थिंग्स फॉर अ हॉल। जो मैंने क्रॉप टॉप भी लिए हैं, ट्राउजर भी है मेरे पास, शूज भी है, और मैंने कुछ लिए हैं मंत्रा से, कुछ लिए हैं मीशो से। तो आपको ये हॉल जरूर पसंद आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट। इससे पहले भी मैंने काफी सारे अलग अलग हॉल्स डाल रखे हैं, इन केस यू हैवंट चेक इट, मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आई हैव दिस टॉप, इसको पहने हुए आपने मेरी शॉर्ट वीडियोस भी देखी होंगी यूट्यूब पे, और इंस्टा पे मैंने फोटो भी डाल रखी है और वीडियोस भी डाल रखी है, आपने देखी होंगी। इट्स अ चिकनकारी कुर्ती स्टाइल में होता है ना, वैसा सा टॉप है, बट ये कुर्ती नहीं है, ये टॉप ही है। सी, इसके जो है आपको ऐसे स्ट्रेप्स मिल जाएंगे, एंड इसके ऊपर सारी वो हैंडवर्क होता है ना, वो किया हुआ है, एंड इट्स पैडेड। द बेस्ट थिंग इज इट्स पैडेड, और बैक इसकी है जो ऐसी है, इट्स वेरी अफोर्डेबल। सबके प्राइसेस आपको मिल ही जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, एंड पीछे इसके इलास्टिक लगी हुई है, सो दैट इसको पहनने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड पैडेड है, इलास्टिक भी है, इजीली पहना जा सकता है। और ये जो स्ट्रैप्स है ना, ये भी एडजस्टेबल है, लाइक आप सोच सकते हो इतने अफोर्डेबल प्राइस पे आपको इतना अच्छा टॉप मिल रहा है, एंड इट लुक्स सो क्यूट व्हेन आई वियर इट, और आपके भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें और कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, यू कैन चेक दिस आउट। और इसका स्टफ है ना, इतना बुरा भी नहीं है, लाइक मैंने इसको वॉश किया है एक बार, एंड ये स्टफ अभी तक खराब नहीं हुआ है। कॉटन काइंड ऑफ स्टफ है, इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है, सो मुझे ये काफी अच्छा लगा एंड क्यूट लगा। नेक्स्ट आई हैव दिस क्रॉप टॉप, जो कि है नीटेड और कलर ब्लॉक स्टाइल में है। इसमें भी आपको शेड्स मिल जाएंगे। मुझे जो पसंद आया था ना, वो ब्राउन और थोड़ा सा बीक कलर का था, पर वो ना आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, तो मैंने फिर ये वाला ले लिया। ये बेबी पिंक और मरून शेड है, एंड ये क्रॉप है, क्रॉप भी लाइक इतना क्रॉप नहीं है, ये आपको पूरा पूरा ही आएगा। आप अगर मेरे साइज के हो तो हो सकता है थोड़ा सा क्रॉप हो, अदरवाइज अब मेरे से थोड़े कम हो तो फिर आपको पूरा पूरा ही आएगा। एंड इसके साइड पे ये नोट्स भी दी हुई हैं, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, लाइक इसको छोटा भी कर सकते हो और इसको टाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप इसको क्रॉप कर सकते हो, और बहुत क्यूट लगता है डाला। नीटर स्टफ में है, नीटर स्टफ काफी ट्रेंड में है, ये सर्दी गर्मी दोनों में डाला जाता है। एंड इसके आप देख सकते हो जो आर्म्स है और जो नेक है उसके ऊपर ऐसी स्वीट सी लाइनिंग से वाली डिजाइनिंग भी दी हुई है, तो सिंपल येट क्यूट, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आइटम आई गॉट फ्रॉम मंत्रा, ये है ये शूज। ये शूज ना, पहले क्या हुआ, इसका बहुत चक्कर पड़ा था, पहले मैंने मंगवाए 8 मंगवा लिया था, मेरा 7 6 7 आ जाता है, बट मैंने 8 मंगवा लिया, आई थॉट कि छोटे ना हो, 8 इतना लूज था, फिर मुझे 7 मंगवाना पड़ा एक्सचेंज करके। तो ये शूज हैं ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स अ सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट शूज जो कि काफी चल रहे हैं, सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे ब्रांड्स के आपको मिल जाएंगे। और ये जो ब्रांड है, आई थिंक डियर्स है इसका नाम, ये ब्रांड अच्छा है, इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे थे, तो मैंने ये वाले मंगवा लिए, एंड ये है भी अच्छे। सी, सिंपल है बट डाले हुए बहुत ही कूल लगते हैं, जीन्स के साथ, या फिर आप कुर्ती डाल रहे हो नीचे जीन्स डाल रहे हो ना, उसके साथ भी बहुत कूल लगते हैं ऐसे शूज डाले हुए। और मुझे ना ऐसे सिंपल से शूज चाहिए थे, स्नीकर्स चाहिए थे बहुत टाइम से, क्योंकि मैं बोर हो चुकी हूँ पुराने पहन पहन के, तो ये परफेक्ट बैठते हैं, लाइक हर आउटफिट के साथ जाएंगे, बिकॉज इट्स ब्लैक एंड व्हाइट। आपको अगर इसमें मेरे अलग अलग लुक्स देखने हैं तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो, मैं सभी लुक्स डालूंगी इसके साथ जो भी होंगे क्रिएट मेरे से। नेक्स्ट आई गॉट दिस काओ प्रिंट ट्राउजर, ये भी मैंने मंत्रा से ली है, और ये बहुत ही ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, मैंने बहुत लोगों को डाले हुए देखा है, एंड मंत्रा पे मुझे ऐसे ही दिख गई थी, मैं ढूंढ रही थी कुछ अच्छी सी ट्राउजर्स, तो ये मुझे ऐसे वाइड लेग होती है ना, तो वैसी सी है, बेल बॉटम वाइड लेग कह लो, वैसी है ये। और इसको डाल के ना, अगर आपकी हाइट छोटी है ना, तो आप लंबे भी लगोगे, आपको ये फायदा होगा। तो ये कुछ ऐसी आई है, पहले मुझे लगा इसको देख के कि ये गंदी है, बट ये डिजाइन ही इसका ऐसा है, पूरी ट्राउजर पे ऐसे ही मिल जाएगा, लाइक थोड़े थोड़े से बीच बीच में डॉट्स वगैरह दिए हुए हैं, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट इसकी डिजाइन ही है और अच्छी है, पर मुझे इसकी इलास्टिक कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। इसमें मैंने अपना साइज है जो 32 वही मंगवाया, स्टिल इट्स लिटिल बिट लूज मेरे को, और अभी इलास्टिक है तो खुलेगी भी तो मुझे लगता है और लूज हो जाएगी, मुझे टाइट करवानी पड़ेगी। बट इसका ना सी इलास्टिक ऐसे है, मतलब निकाल सकते हैं ना काइंड ऑफ, पता नहीं उन्होंने इंटेंशनली ऐसे बनाई है इलास्टिक, सो दैट हम इसको निकाल के एडजस्ट कर सके, जो भी है, बट मुझे थोड़ी सी यहाँ से ना अनकंफर्टेबल सी लगी, एक बार दो बार पहनी मैंने, मतलब ऐसे पहन के देखी थी, अब मैं प्रॉपर पहनूंगी लुक में तो मैं फिर बता पाऊंगी आपको कि कैसी है, बट इसका लुक वाइज एंड एवरीथिंग इज ग्रेट, मुझे बहुत ही अच्छी लगी।
इसमें ना कलर तो अवेलेबल नहीं थे, और क्योंकि ये काओ प्रिंट ही बहुत अच्छा है ब्लैक एंड व्हाइट, ये शूज वो शूज और ये वाली ट्राउजर को मैं साथ में एक ब्लैक टी शर्ट के साथ पूरा लुक क्रिएट करने वाली हूँ, मैंने सोच रखा है ऑलरेडी। तो वो लुक सोच के वो लुक मेरे दिमाग में था ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास एक ब्लैक टॉप पड़ा है जिसके साथ मैं इसको कैरी कर सकती हूँ, तो ये सोच के मैंने मंगवा ली। इसमें और कलर चाहिए भी नहीं और अच्छे भी नहीं लगेंगे, काओ प्रिंट ही अच्छा लगेगा। बट इसमें और पैटर्न मिल जाएंगे आपको, यू कैन चेक इट आउट, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और इसका स्टफ है ना बहुत, ना ही मोटा है ना ही पतला है, सर्दी गर्मी दोनों में डाला जा सकता है, सी थ्रू भी नहीं है, मतलब ऐसे तो सी थ्रू लगेगा बट डालने के बाद सी थ्रू भी नहीं लगता, एंड बहुत ही सॉफ्ट स्टफ है, कम्फर्टेबल है वैसे। आई होप यू लाइक दिस छोटा सा हॉल वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको इन चीजों में से कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।